हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण में भी मैं हूं, तो एक चांडाल के अंदर भी मैं हूं, गौ में भी मैं हूं, तो एक कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, तो चूटी में भी मैं हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हे पार्थ, इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राणी जिस जिस रूप में भी मेरी पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए जो जो सकामी पुरुष जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इस प्रकार बहुत से जन्मों के पश्चात उसे जब ये ज्ञान हो जाता है कि इस सारे सृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, तो ऐसा ज्ञानी महात्मा अंततः मुझे ही प्राप्त होता है।